मित्रों नमस्कार, मैं संजय बत्की स्वर स्वामी ओल्ड और स्वर स्वामी ऑफिशियल इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। आज तक बहुत से वीडियो आए, बहुत से सब्जेक्ट पे मैंने किए पूरे, आपके जो जो सवाल थे उनके ऊपर भी बहुत कुछ मैंने प्रकाश डालने का कोशिश किया है। कई और भी ऐसे सवाल आते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, उस पे वीडियो बनाइए, पलटे बनाता हूँ तो बोलते हैं लगाव लगाइए, उस पे बताइए, लगाव सिखाता हूँ तो बोलते पलटे सिखाइए, पलटे और लगाव दोनों सिखाता हूँ तो बोलते सर तो बोलते हैं रागदारी सिखाइए। बड़े बड़े उस्तादों को अगर आपने गौर से सुना होगा, क्योंकि देखा तो नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद अभी नहीं रहे, कुछ है गिने चुने जो क्लासिकल गाते हैं, शास्त्रीय संगीत गाते हैं, कुछ ऐसे है कुछ शास्त्र गाते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ है जो यहां तक पहुंचते हैं और कुछ है जो यहां तक पहुंचते हैं, और यहां तक पहुंचने वाले में से ही जो लोग हैं वो दिल पे राज करते हैं। मैं बार बार आपको बोलते आया हूं कि गाना सिखाने वाले, शास्त्र सिखाने वाले, रागदारी सिखाने वाले हर जगह उपलब्ध होंगे, पर वो क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, कितना करे, कब करे, ये सब चीज समझाने वालों में से मैं हूं। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि मैं जो मेरे चैनल से जो वीडियो आपके लिए देता हूं, कोशिश यही रहती है कि आप लोग सीखे हुए हो या ना सीखे हुए हो, आप लोग सीखे हुए हो या ना सीखे हुए हो, सबके लिए ये चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्लासिकल क्या है। बड़े बड़े उस्तादों को आपने सुना है, उनके वीडियोज अभी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो आपके सामने दे रहे हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सुनो, गाना सुनने से 75% आता है, सीखने से 25% शास्त्र आ जाता है, पर पेश करने की कला जो है वो चुरा के ही आती है। ये तो महारथी ने भी कहा है, सीखकर शास्त्र आ जाएगा, ये डाल के जब पेश करोगे तब लोगों के यहां पहुंचेगा, नहीं तो बस दो आलापे, दो ताने, बड़े नोटेशन घुमा रहे इधर से उधर से, उसमें आदमी डूबता नहीं है, चमत्कार दिखता है आपका, बिल्कुल जरूरी है, दिखाना भी चाहिए, हर वक्त चंचलता काम नहीं आती है, कहीं तो भी लाइफ में स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, समाधि लगनी चाहिए, गाना समाधि वाला होना चाहिए। बहुत से सब्जेक्ट आते, गुलामली साहब का भी परसों वीडियो देख रहा था मैं, शहनशाह म्यूजिक गजल के, पलटा रियाज, पलटा करो, पलटा 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 जितना भी करना है, नोटेशंस ये 7 सुर 12 सुर जो है ये पूरी जिंदगी में पलटा देते हैं हमको, जिंदगी खत्म हो जाती है, पलटे खत्म नहीं होते, कि कॉम्बिनेशन ऑफ सुराज कितने सारे, अगर आपको इस दुनिया में कुछ अलग करना है, नाम कमाना है, तो पहले मेहनत करना जरूरी है। अगर मेहनत कम पड़ती है तो सोचो कि क्या कम पड़ रहा है, करो, मुश्किल से मुश्किल पलटा लो, उसको देखो, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अब देखो आप जब तक वो करोगे नहीं तब तक आपको वो चीज हासिल नहीं। अच्छा, इसका मतलब है रियाज करना मतलब रेखते रहना, ऐसे भी नहीं है, रियाज दिल से करो। मैं फिर दोहराता हूं, गाना गले में नहीं है, गले से है।
गाना यहाँ पे है, ये पे और से का फर्क आप ध्यान रखो। गले से निकलता है, दिमाग में आता है, यहां जो आया वही गले में बाहर निकलेगा। अगर यहां गलत सुर आया, यहां बेसुर आया, तो यहां से बेसुरा निकलेगा। तो आज के विषय में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि लोग कहते हैं कि गुरुजी आप फीमेल को भी काली दो में सिखाते हैं और मेल को भी काली दो में सिखाते हैं। तो भैया अगर आप समझदार हो तो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए, मैं पंचम से पंचम तक पढ़ाता हूं और पंचम से पंचम तक पढ़ाने के तीन चार राज हैं जो कि यहां तो मैं बयान नहीं कर सकता, यहां पे तो खाली उसका मैं आउटलाइन देता हूं। लेकिन काली दो में लेडीज गाती है, और मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर जी, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल, ये तो सब लेडीज ही है ना। अगर किसी ने बोला है कि क्लासिक मतलब लेडीज का स्केल काली चार और काली पांच के बीच में है, तो मेरा ये मानना है कि अगर मेहनत करते हैं तो काली दो में भी लेडीज गा सकती है। हाँ, टेक्निक यूज करना पड़ेगा, फुल थ्रोटेड नहीं गा सकेगा, लेकिन वो आवाज बन जाती है, ब्रेन बन जाती है, वहां तक काम करना जानती है। वो ब्रेन को उस आप किस एरिया में खेल रहे हो, कि खेलना चाहते हो, उसका पता लग जाता है और वहां पे वो काम करना चालू करती है। मेंटेलिटी है, सामान मानसिकता है। देखिए आप नीचे नीचे रियाज कीजिए काली चार में और फिर काली एक में गा के देखो, आपको ऊंचा लगेगा। लेकिन आप डी शार्प में गा के देखो, एक महीना डेढ़ महीना गा के देखो, उसके बाद में आप सी में ही गा के, चलो ठीक है ए शार्प में, सी में गा के देखो काली एक में, तो आपको पता लगेगा कि यार कितना नीचे लग रहा है ये सब। क्यों लगता है? 99% गाना साइकोलॉजी से बढ़ता है, साइकोलॉजी से घटता है, मानसिकता। किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा कि जिस पे रिसर्च हुआ है कि ब्रेन के अंदर हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट बने हैं, वहां पे सुर का डिपार्टमेंट कहाँ है, लय का डिपार्टमेंट कहाँ है, विथ रेफरेंस दूंगा, ऐसा नहीं हवा में बातें नहीं करूंगा। मैंने अहंकार का भी रेफरेंस दिया है, हवा में बातें नहीं किया है। अहंकार है, अहंकार होता है, और मैं मेरे सभी मतलब वर्कशॉप में उसी पे जोर देता हूं। जिस दिन आपका अहंकार लग जाएगा, उस दिन आपको किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा।